सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सत्य को खोजने वाले सब साधकों को हमारा प्रणाम। आज का मधुर संगीत आज के विषय से बहुत संबंधित, जिसके लिए मैं देवू चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी सहज व्यवस्था हो जाती और आज संगीत में जो आपने 12 स्वरों का खेल देखा, वही हमारे अंदर भी ऐसा ही सुंदर संगीत निर्माण हो सकता है। ये जो कुंडलिनी के अष्ट चक्र आप देख रहे हैं, जो कि मूलाधार चक्र, मूलाधार राजस्थान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और संस्कार, इसके अलावा हमारे अंदर सूर्य और चंद्र के भी चक्र हैं। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र को छेदने बाद भी 3 और चक्र हमारे अंदर कार्य करते हैं, जिसे हम अर्धबिंदु, बिंदु और वलय कहते हैं। ये सारे हमारे अंदर स्वर हैं। जैसे अगर सा से शुरू करें तो 7 स्वर सारे ग म प ध नि सहस्त्रार पे नी जाकर के पहुंचता। इसी प्रकार इन सब चक्रों को जो शक्ति देते हैं, ऐसे ग्रह भी हैं। जैसे मूलाधार पे मंगल, स्वाधिष्ठान पे बुध, नाभि पर गुरु, हृदय पे शुक्र, विशुद्धि पर शनि, आज्ञा पे सूर्य और संस्कार पे सोमवार, जो कि शिव जी का या देवी का स्थान माना जाता है, आदिशक्ति का। इसी प्रकार हमारे नवग्रह भी इन चक्रों पर वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी ओंकार श्री गणेश से प्रेरित है, वो सारा ही एक ही स्वर, एक ही ताल में पूर्णतया बद्ध होकर के एक सुंदर संगीत का साज हमारे अंदर परमात्मा ने तैयार रखा हुआ। इसको छेड़ने के लिए ही कुंडलिनी कार्यान्वित होती है। जब कुंडलिनी इन चक्रों को छेड़ती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, उसके स्थान से हर चक्र में न जाने कितनी ही गतिविधियां हो जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि मां ये इतना सरल कैसे? सरल तो ऐसे है कि जितनी भी जीवंत क्रियाएं हैं सब बिल्कुल ही सहज है। एक बीज में अंकुर भी सह जाता है, लेकिन जो हम रोज देखते हैं, रोजमर्रा जानते हैं, उसके प्रति हमें कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं, उसे हम मान के लेते हैं। जैसे कि आपके श्वास की क्रिया जो है, ये कितनी सहज, इसके लिए अगर आप किसी गुरु के पास जाना पड़े या कुछ ग्रंथ पढ़ना पड़े या कोई लाइब्रेरी में जाना पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे। ये हृदय का जो स्पंदन अनहद, हर घड़ी अपने आप ही कार्यान्वित रहता है, उसको अगर चलाने के लिए हमें बाह्य से कोई उपचार करना पड़ता तो कितने लोग इस संसार में जीवित पैदा होते। ऐसे अनेक विध चीजें जो जीवंत है हम देखते हैं। ये फूल खिलते हैं अपने आप और उनके फल भी हो जाते हैं अपने आप।
ये उत्तम बड़ा प्रज्ञा जिसने इस सृष्टि को पूरी तरह से आशीर्वादित किया है, वो ये सारे जीवंत कार्य हर क्षण हर पल करती रहती है। इतना ही नहीं, इसका चयन इतना अद्वितीय है कि उसका अनुमान हम अपने मानवीय बुद्धि से नहीं लगा सकते। माने एक आम के पेड़ में सिर्फ आम ही लग सकता, एक हिंदुस्तानी के घर हिंदुस्तानी ही पैदा होता। मेरा मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानी से कि वो कोई ब्रांड लेके आता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत से आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी। ये जो चयन है, ये जो चॉइसेस है, ये कितने गहन और कितने गणित से बने हुए हैं, उसका अंदाजा हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले कहा था, सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो ये सीमित बूंद है इसे हम सागर में ढाल सकते। सागर से एकाकार होने पर सागर की सारी शक्तियों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसका आनंद भी लूट सकते। यही कार्य ये कुंडलिनी करती, लेकिन इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है इस साथ कि ये स्वर सारे जाकर के अंत में अपने मस्तिष्क में पूरे यहां से लेकर के यहां तक सातों की सात, जिन्हें कि हम कहते हैं चक्रों के पीठ, पूरी तरह से अपने कार्य में संलग्न होते हैं। ये सात चक्र जो हम नीचे देखते हैं, उनके पीठ हमारे मस्तिष्क। यहां से शुरुआत करिए या यहां से शुरुआत करिए तो मूलाधार, आज ये सब करते हैं यहां आपके हृदय चक्र, और हृदय के बाद यहां तक आप आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं और यहां विशुद्धि चक्र है। ये तो सारा कुछ आप किताबों से जान सकते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया उसकी कमाल देखिए। ये सात स्वर बनाने के बाद उसके जो पीठ है, उसके हरेक स्वर का निनाद इन सात पीठों से बने हुए इस मस्तिष्क में, इस ब्रेन में इस तरह से घुमाया जाता, उसकी जो शक्ति है उसको किस तरह से एक सुंदर सुगति तालबद्ध स्वर में आलापा जाता है। ये एक कमाल की चीज है जिसे देखते ही बनता। इस कमाल को हम इसलिए नहीं देख पाते कि हमारी दृष्टि ही बाहर की ओर है। अगर कहा जाए कि आप अंदर की ओर दृष्टि ले जाएं, तो आप कहेंगे कि ये कैसे करें मां, ये तो मुश्किल काम है। आप अब इस वक्त मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आपका सारा चित्त मेरी ओर है, लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो आपका चित्त वहां आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो जो आपका चित्त बाह्य में फैला हुआ है वो एकदम अंदर की तरफ दौड़ता है, और जैसे कोई एक कपड़ा चारों तरफ फैला हुआ उसके अंदर से कोई चीज उसे ढकेलती हुई ऊपर की तरफ ले जाती है, इस प्रकार कुंडलिनी संस्कार से आने पर उसे चाक कर देती है। लेकिन उसका चाक करना भी इतना सुंदर है कि जब वो भेद होता है तो उस कुंडलिनी का प्रकाश उस सारे चादर में फैल जाता है। जो कहा है राम रंग रसधीनी, वो चदरिया जो कि हमारे चित्त की है उसमें सत्य का प्रकाश फैल जाता है।